प्रिय छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक हो। मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी की अध्यापिका मोनिका चोपड़ा आज फिर एक नई वीडियो के माध्यम से पाठ्यपुस्तक का अभ्यास प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर करोगे। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको कहानी को विस्तार पूर्वक बताया था और आपको समझ भी आ गई होगी, इस वीडियो के माध्यम से आप लिखित कार्य करोगे। इस वीडियो में पाठ दो दया की जीत कहानी के विषय में लिखित कार्य दिया हुआ है। सबसे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका के पेज पर अवधारणा मानचित्र बनाओगे, उसके मुख्य पात्र लिखोगे। मुख्य पात्र में कौन है? यशोधरा, राहुल, राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया, सिद्धार्थ और ज्योतिषी। ये मानचित्र आप अपने उत्तर पुस्तिका पर बनाओगे। उससे अगले पेज पर आप कठिन शब्द लिखोगे। पहला कठिन शब्द है जिद्दी। दूसरा प्राचीन, तीसरा ज्योतिषी। तीसरा कठिन शब्द है ज्योतिषी, आवश्यकता। चौथा आवश्यकता। पांचवा शांत भाव। छठा अधिकार। सातवां भक्षक और आठवां रक्षक। भक्षक मीन्स हमने किया था रक्षा करने वाला, रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला, भक्षक मारने वाला। अब आप करोगे शब्दार्थ। शब्दार्थ फर्स्ट जिद्दी। जिद्दी मीन्स हठी। ज्योतिषी भविष्य बताने वाला। आवश्यकता मीन्स जरूरत। भक्षक मारने वाला। प्राचीन पुराना। चचेरा भाई चाचा का बेटा। अधिकार हक। रक्षक रक्षा करने वाला। पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवधारणा मानचित्र बनाओगे, उसके बाद कठिन शब्द करोगे और फिर शब्द अर्थ। उसके बाद आप अपने प्रश्न उत्तर लिखोगे। आप हेडिंग पाओगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मेरा पहला प्रश्न है, राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था। मेरा पहला प्रश्न है, राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? आंसर, उत्तर, राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। क्या नाम था? माया। राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। मेरा दूसरा प्रश्न है, राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए किसे बुलाया? आंसर, उत्तर, राजा ने बच्चे के भविष्य को जानने के लिए राज ज्योतिषी को बुलाया। तीसरा प्रश्न, सिद्धार्थ किसके साथ पढ़ता और खेलता था? उत्तर, सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई
देवदत्त के साथ खेलता और पढ़ता था। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ खेलता और पढ़ता था। अंत में हंस किसको मिला? चौथा प्रश्न, अंत में हंस किसको मिला? उत्तर, अंत में हंस सिद्धार्थ को मिला। उत्तर, अंत में हंस सिद्धार्थ को मिला। पांचवा प्रश्न, राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा? राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में क्या कहा? उत्तर, राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में बताया कि यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा पर राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। राज ज्योतिषी ने बच्चे के विषय में बताया कि बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा पर राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। मेरा छठा प्रश्न, सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की? सिद्धार्थ ने घायल हंस की देखभाल कैसे की? सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में लिया, उसके शरीर से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर लपेट दिया। सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में लिया, उसके शरीर से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर लपेट दिया। सातवां प्रश्न, राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों लिया? राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला क्यों लिया? उत्तर, राजा ने सिद्धार्थ के हक में फैसला इसलिए लिया क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है, अर्थात मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। आठवां प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें? कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। जीवों पर दया और उनकी देखभाल, उनकी सेवा करनी चाहिए। अब पुस्तक से अभ्यास। फर्स्ट प्रश्न, सही के लिए टिक सही का निशान और गलत के लिए क्रॉस गलत निशान लगाओ। क पाठ, बच्चे ने नानी को कहानी सुनाने के लिए कहा? बच्चे ने नानी को कहा था कहानी सुनाने के लिए? नो, इट्स रॉन्ग, यह गलत है। बच्चे ने अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा था। सेकंड, प्राचीन समय में शुद्धोदन नाम के एक राजा थे, क्या ये सही है? यस, ये सही है। प्राचीन समय में शुद्धोदन नाम के एक राजा थे। ग, हंस को तीर लगा था, यस, हंस को तीर लगा था, ये भी सही है। तीर सिद्धार्थ ने चलाया था, क्या ये सही है? तीर सिद्धार्थ ने चलाया था, नहीं, ये गलत है, तीर देवदत्त ने चलाया था। राजा ने हंस देवदत्त को दे दिया, देवदत्त को मिला था हंस? नो, राजा ने हंस देवदत्त को दे दिया, ये रोंग है, क्योंकि राजा ने हंस सिद्धार्थ को दिया था। अगला प्रश्न, इन शब्दों में से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो। ये हमारे एकार्थी शब्द, एकार्थी मीन्स समान अर्थ, ये देखने में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, बट इनमें इनके अर्थ में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर, कुछ अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाए जाते हैं, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पुत्र, पुत्र हो गया,
पुत्र हम बोलेंगे अपने बेटे को। बालक हो गया, कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई भी लड़का होता है, देखने में तो पुत्र और बालक एक जैसे लगते हैं, बट इनके अर्थ में अंतर है। पुत्र मेरा अपना बेटा हो गया और बालक कोई भी बालक हो सकता है। ऐसे ही हम इन शब्दों के वाक्य बनाएंगे इनके अर्थ को देखते हुए। फर्स्ट इज कृपा। कृपा मीन्स छोटों की सहायता करना। हम अपने से छोटों की सहायता करते हैं, मीन्स हम उन पर कृपा कर रहे हैं। इसमें वाक्य बनाना, मैंने गुरु की कृपा से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया। मैंने अपने गुरु की कृपा से इतना ज्ञान प्राप्त किया। दया, किसी से सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति में लगाव दिखाना, उन पर दया दिखाना। वाक्य बनाएंगे, हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। ख, लज्जा, दूसरों से लज्जाना, शर्माना। राज को किसी के सामने आते हुए लज्जा आती है। गलानी, अपने आप पर खेद, खेद मीन्स दुख होना, स्वयं पर दुख होना। को हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमें उस पर बाद में पछतावा होता है, पछतावा होना किसी चीज़ का। तो सुनीता को अपने अनुचित व्यवहार पर गलानी महसूस हो रही है, उसको अपने आप पर अब खेद हो रहा है। वाक्य बनाएंगे, सुनीता को अपने अनुचित व्यवहार पर गलानी महसूस हो रही है। ग, उपहास, किसी की हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना मीन्स हंसना दूसरों पर, बट हमें किसी की मजबूरी का उपहास नहीं करना चाहिए। हमें किसी की मजबूरी का उपहास नहीं करना चाहिए। लास्ट परिहास, हंसी विनोद करना मीन्स हंसी मजाक करना। आपस में परिहास करने से समय जल्दी व्यतीत हो जाता है। जैसे हम इकट्ठे बैठते हैं, अगर हम स्टडी करते हैं, हंसी करते हैं, तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। सो यही है वो, आपस में परिहास करने से या हंसी करने से समय जल्दी व्यतीत होता है। नाउ थर्ड प्रश्न, विलोम शब्द। शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द कौन से होते हैं? शब्दों का विपरीत अर्थ बताते हैं, जो उल्टा अर्थ बताते हैं हमको। जैसे फर्स्ट रक्षक, रक्षक कौन हो गया? बचाने वाला। उसका उल्टा कौन होगा? मारने वाला, भक्षक। प्राचीन, पुराना, नवीन, नया। राजा, राजा हो गया। रंग, प्रसन्न, दुखी। प्रसन्न, ए वन इज प्रसन्न मीन्स खुश होना, दुखी होना। वन इज प्रश्न, क्वेश्चंस जो हम करते हैं, प्रश्न उत्तर। अधिकार, अनधिकार। सत्य, असत्य। धर्म, अधर्म। प्रिय छात्रों, आज हम ये सारा कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। आशा है आप अपनी उत्तर पुस्तिका को सुंदर सुंदर बनाओगे। धन्यवाद।